कटिहार का एक ऐसा चोर जो अपनी बीवी के मायके जाने की सूचना पर जेल से हुआ था फरार। नमस्कार आदाब, मेरा नाम आमिर है और आप देखना शुरू कर चुके हैं केटीएन न्यूज बिहार। कटिहार के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि बारसोई के रहने वाले एक व्यक्ति को चोरी के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन वह जेल से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद सहायक थाना पुलिस ने उसे मनिहारी मोड़ के पास से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे सहायक थाना में उस व्यक्ति को रखा गया था। उसके बाद भी वह सहायक थाना पुलिस को चकमा देकर 9-2-11 यानी कि भाग गया, लेकिन सहायक थाना पुलिस ने अपनी पैनी निगाह से उस चोर को ढूंढ निकाला और फिर उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। इस मामले में डीएसपी अभिजीत कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के क्रम में उस चोर ने बताया कि वह शादीशुदा है और उसकी पत्नी उसको जेल जाता देख उसे कही कि वे मायके चली जाएगी। फिर क्या था, जैसे ही वह सुना जेल जाते ही वह जेल से फरार हो गया और जब उसे सहायक थाना पुलिस ने फिर से पकड़ा तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, लेकिन सहायक थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद उस चोर को पुनः गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी ने बताया कि उस पर भागने का भी एक एफआईआर दर्ज करवाया गया है। चोरी के मामले में एक अभियुक्त जो बारसोई थाना अंतर्गत रहने वाला है वो जेल गया हुआ था। एक दिन सूचना मिली कि वो मंडल कारा से भाग गया है, जिस पे एफआईआर दर्ज करके हमारी टीम के द्वारा मनियारी मोड़ के पास से उसको गिरफ्तार किया गया। बट दुर्भाग्यवश दूसरे दिन जब उसको फ्रेशन अप होने के लिए हमारे पुलिस के कर्मी के द्वारा ले जाया जा रहा था तो वो वहाँ से भी फिर दोबारा भाग गया। 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद हम लोगों ने उसको बुधुचक के पास से गिरफ्तार कर गया। इसमें कुल हम लोगों ने भागने के 2 कांड और दर्ज किए हैं। एक जेल से भागने के मामले में 1 कांड दर्ज किया गया है और एक जो है हमारी अभिरक्षा सहायक थाना से भागने में 1 कांड और दर्ज किया गया है। सर, पूछताछ में कैसा बात है कि पत्नी जेल में रहने के कारण शिकायत? जी हाँ, पूछताछ में ये बात सामने आई थी कि अभी अभी उसने एक लड़की से शादी की है और वो जेल जा रहा था तो उसकी पत्नी के द्वारा कहा गया तुम जेल चले जाओगे तो मैं फिर वापस नेपाल चली जाऊंगी, इसी वजह से वो जेल से भागा है ऐसा वो बता रहा था। उसका परिवार ने पूरा कोऑपरेशन किया उसको पकड़वाने में, इसमें भी वो नहीं है, लेकिन फिर वो चूँकि वो लड़की से बहुत प्यार करता था इसीलिए फिर दोबारा जब पकड़ कर आया तो फिर भी उसने यही बात बोला, चूँकि वो लड़की फिर चली जाती इसी वजह से हम फिर दोबारा भाग गए थे। सर, इस मामले में कोई सस्पेंशन भी हुआ है? इसमें हम लोगों ने एसपी सर को एक रिपोर्ट भेजा हुआ है, जो भी लोग की लैप्सेस पाए गए हैं, जो लोगों ने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं की है उनके लिए हम लोगों ने रिपोर्ट भेजा है, तुरंत कार्रवाई होगी। सर, प्रेम प्रसंगी था या शादी कर चुके थे? शादी कर चुके थे सर।